और राइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, जिसको आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते होंगे। और इतना मुझे पक्का पता है कि अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया तो आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इटली स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना तो सीखेंगे, बल्कि आप ये भी सीखने वाले हैं कि आप इसको यहाँ पर फ्यूचर के लिए यहाँ पर किस तरीके से सेव कर पाओगे, वो भी अपने डिजी लॉकर वाले अकाउंट के अंदर। सारी चीजें मैं सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है वीडियो लास्ट तक। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर गूगल के यहाँ पर ब्राउजर पे। तो मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पर स्पॉन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी यूज कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पर MPE डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ। पहले से मैंने यहाँ पर दूसरा टैब यहाँ पर ओपन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है थोड़ी सी यहाँ पर शुरू आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह डाउनलोड हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरनेट रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे आप इस चीज़ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा लोडिंग वगैरह हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पहले से अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। मैंने फ्लैट क्या किया हुआ है, मैंने आप तरीके से लॉग इन किया हुआ है, तो जिस वजह से मेरा अकाउंट लॉग इन है तो यहाँ पर कितनी तरीके से यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन आपका नहीं है तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पर जो साइनअप अकाउंट होता है उस चीज़ पे आप क्लिक करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप अपने यहाँ पर लॉग इन अकाउंट बना लीजिए। और लॉग इन अकाउंट बनाने के बाद आप सिंपल तरीके से यहाँ पर लॉग इन कर लीजिए। और लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चार तरीके नहीं बल्कि तीन तरीके देखने को मिलने वाले हैं, तीन नहीं बल्कि चार ही तरीके आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर तरीके से मैं सेलेक्ट करूँगा ऑनलाइन, जो तरीके से निःशुल्क रहता है। मैंने पहले बताया कि ये थोड़ा सा वेबसाइट स्लो रहती है, जिस वजह से अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको डालना होगा यहाँ पर अपना आधार नंबर, और आधार नंबर को यहाँ पर वो वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑटोमेटिक तरीके से फर्च कर ली जाएगी आधार कार्ड से, जैसे कि हो जाता है आपका आवेदक का नाम या फिर तरीके से लिंक वगैरह होती है, जो जन्मतिथि होती है वो ऑटोमेटिक तरीके से फर्च होने वाली है। लेकिन अगर आपके लोग कोई इन्फॉर्मेशन फर्च नहीं होती है तो आप सिंपल तरीके से मैनुअली यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं फिलहाल क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, और जो जिसमें मैंने यहाँ पर बनाया था वो तरीके से वीडियो खराब हो गया था, जिस वजह से मैं दोबारा तो अब मेरे पास कोई बचा नहीं है बनाने के लिए। तो मैं डायरेक्टली तरीके से आपको डेमो पर पच के लिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक तरीके से फिल कर दोगे, और यहाँ पर आपकी जो निवास की जानकारी हो उस चीज़ को आप फिल कर दोगे, और फिल करने के बाद जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जिसके तरीके से आपको शपथ पत्र होगा जो तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर उसके नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर कुछ पूछी जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ पर मतलब किसके यहाँ पर निवासी हैं, यहाँ पर कब से रह रहे हैं, तो इस चीज़ को इसकी फिल कर दीजिए। मैं फिलहाल क्या हूँ, मैं एक तरीके से ये वाला ऑप्शन सही सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। और सिंपल तरीके से यहाँ पर आप ठीक हो गए तो यहाँ पर आपके में जो शपथ पत्र हुआ वो तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद आप सिंपल तरीके से इसको सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट होने में थोड़ा सा अगेन यहाँ पर टाइम लेगा, लेकिन एक तरीके से सबमिट हो जाएगा, और आपको जो एक तरीके से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि निवासी प्रमाण पत्र हुआ साथ उनके अंदर आपको मिलकर बनने वाला है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता है, और यहाँ पर आप क्या करना है, अगर आपकी जैसे आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिले वगैरह हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आवेदन की स्थिति होती है उसको आप सिंपल तरीके से यहाँ पर जान सकते हो, जो आपके वहाँ पंजीकरण क्रमांक होगा जो कि आपको कुछ तरीके के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीके से यहाँ पर इस चीज़ डाल सकते हो, नहीं तो आपने वो मोबाइल नंबर होगा जो लिंक किया होगा वो भी सिंपल तरीके से यहाँ पर डाल के आपने यहाँ पर स्टेटस वगैरह होता है उस चीज़ को देख सकते हो। और आपके में जो भी तरीके से जो नंबर हुआ जो आपके में जनरेट होकर आएगा उसको आप बात करते हैं कि आप उस चीज़ को डिजी लॉकर में किस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना होता है, मैं एक तरीके से आपको डेमो पर्पज दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे तो और उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर तरीके से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग वगैरह ले रहा है, और एक तरीके से देख रहा है तो आपके में यहाँ पर जो पंजीयन यहाँ पर जो क्रमांक होता है जो कि RS से यहाँ पर स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आप डिजी लॉकर पर सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद यहाँ पर इसको एंटर वगैरह करोगे, डेट वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, डेट वगैरह डाल दोगे तो तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पर फेचिंग लेगा, एक तरीके से आराम यहाँ पर 30 से 35 सेकेंड यहाँ पर टाइम लग सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है,
डिजी लॉकर है थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट काम होता है, जिस वजह से एक तरीके से फ्रेश होने के बाद आपके यहाँ पर एक तरीके से डिजी लॉकर अकाउंट में सारी चीज़ें एक तरीके से सेव हो जाएंगे। तो बस यही आज के इस वीडियो में। आइए आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो फटाफट से लाइक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।